प्रमंडल की तरफ और कोल्हान प्रमंडल की सीटों पर हम चर्चा करते हैं कि कोल्हान की जंग कैसी है। कोल्हान में कई सीटें इस बार बेहद हॉट सीट बनी हुई है। मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है, रघुवर दास की बहू चुनावी मैदान में है। दो नए चेहरे चुनावी मैदान में दिखेंगे जिन्होंने इससे पहले राजनीति नहीं की है, अब वो चुनाव के मैदान में है। इसके अलावा चंपई सोरेन के बेटे भी चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले जिस सीट पर चर्चा करते हैं वो है जमशेदपुर पूर्वी की सीट। यहाँ पर पूर्णिमा दास साहू बीजेपी की टिकट पर और साथ ही कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार यहाँ चुनावी मैदान में है। तो जेएलकेएम के तरुण कुमार ने भी चुनाव मैदान में कूदे हैं। तो इस बार जमशेदपुर पूर्वी की जंग कितनी दिलचस्प नजर आ रही है। इस सीट पर भी स्टार प्रचारक लगातार पहुंचे हैं। किस तरह का चुनाव प्रचार रहा और सीट कितनी हॉट है रंजन जी? देखिए, जमशेदपुर अगर पूर्वी की हम अगर बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार हैं और सामने जो है पूर्णिमा दास साहू जो कि रघुवर दास की बहू हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ट्रेडिशनली जो जमशेदपुर पूर्वी की सीट रही है वो बीजेपी की सीट रही है और यहाँ से पिछले 8 चुनावों में बीजेपी ने 6 में जीत हासिल की और कांग्रेस सिर्फ एक बार जीत सका है और वो जीत जो कांग्रेस को मिली थी वो 1985 में मिली थी। मतलब एक लंबा अरसा यहाँ पर कांग्रेस को हो गया। पिछली बार जब कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ी थी तो उसे जो है लगभग 10-11% के आसपास वोट आए थे। तब गौरव वल्लभ जो हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो रघुवर दास और सरयू राय के बीच में हुआ था जिसमें सरयू राय ने जीत हासिल की थी। ये सीट जो है ट्रेडिशनली रघुवर दास की भी सीट रही है क्योंकि इस सीट से वो 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। उनकी बहू के ऊपर अब विरासत संभालने की जिम्मेदारी है कि उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू उस विरासत को संभालें। क्या वो ऐसा कर पाएंगी क्योंकि सामने उन्हें चुनौती देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार हैं और ये अजय कुमार वही हैं जो कि आईपीएस ऑफिसर थे और उनका जो एक कहिए जब वो यहाँ पर एक एसपी के पोस्ट पर कार्यरत थे तो उस समय उनकी एक लोकप्रियता रही थी और उसी लोकप्रियता की वजह से वो 2011 में जब चुनाव लड़े थे बाई इलेक्शन लोकसभा का JBMP के टिकट पर तो उन्होंने जमशेदपुर से जीत भी हासिल की थी। तो क्या वो जो लोकप्रियता बनी हुई थी वो अभी भी बनी हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इस सीट पर आप बात कीजिए तो जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 15.6% हैं। यहाँ पर ट्राइबल वोटर्स कम है 0.61% और मुस्लिम वोटर्स भी बहुत कम है 6.3%। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो वो 7.75% के आसपास आता है। तो ऐसे में जो समीकरण है वो पूर्णिमा दास साहू को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या अजय कुमार की जो लोकप्रियता थी जिसके बूते उन्होंने 2011 का बाय इलेक्शन जीता था क्या वो बना हुआ है, ये उसकी भी परीक्षा है। अगर वो बना होगा तब तो फिर उन्हें जीत मिल सकती है, नहीं तो फिर पूर्णिमा दास साहू के लिए रास्ता जो है थोड़ा आसान होगा। हालांकि कुछ बागी प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी के खड़े हैं जिनमें शिवशंकर सिंह का नाम जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वो सरयू राय जैसा नुकसान कर पाएंगे जो पिछले चुनाव में सरयू राय ने किया था या वो उस कद के नेता हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो उनकी भी एक तरह से ये परीक्षा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मुख्य मुकाबला जो है वो पूर्णिमा दास साहू और अजय कुमार के बीच में ही होगा। चलिए, तो ये मुकाबला है जमशेदपुर पूर्वी का। पश्चिमी में भी जंग इस बार कम दिलचस्प नहीं है, ये सीट हॉट सीट है और सबसे ज्यादा हॉट सीट है ये कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता चुनावी मैदान में है और देखिए इनसे मुकाबले के लिए सरयू राय ने अपनी पूर्वी सीट छोड़ी है। जब रघुवर से मुकाबला था तो पश्चिमी छोड़कर वो पूर्वी गया, पूर्वी सीट छोड़कर पश्चिमी में आ गए हैं और इस बार JDU से वो चुनावी मैदान में है यानी NDA का हिस्सा बनकर हैं। तो ये बन्ना गुप्ता के लिए कितना नुकसानदेह है और कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ दिख रहा है रंजन जी? देखिए, बन्ना गुप्ता और सरयू राय जब आमने सामने हों तो मुकाबला दिलचस्प हो ही जाता है। तो इस बार का मुकाबला भी कम दिलचस्प नहीं है। हालांकि पिछली बार जब सरयू राय यहां से चुनाव नहीं लड़े थे, जमशेदपुर पूर्वी से लड़े थे, तो इसका फायदा बन्ना गुप्ता को मिला था और तब बन्ना गुप्ता ने 22,583 वोटों की बड़ी जीत दर्ज की थी और तब बीजेपी से प्रत्याशी थे देवेंद्र नाथ सिंह।
लेकिन अब स्थिति सारी बदल चुकी है। सरयू राय वापस एनडीए फोल्डर में आ गए हैं, बीजेपी से न सही जेडीयू के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और चूंकि वो कद्दावर नेता हैं, रणनीति बनाने में माहिर हैं और आप कह सकते हैं कि कुशल राजनीतिज्ञ हैं, तो उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। और ये मुकाबला अब बहुत क्लोज हो गया है जिसमें कि बाजी किसी के हाथ भी लग सकती है, लेकिन ये एक ऐसी सीट है जहाँ पर मुझे लगता है कि पोलराइजेशन हो सकता है और यहाँ पर आपको काउंटर पोलराइजेशन भी देखने को मिल सकता है। ये आपको सरयू राय के बयानों में भी दिखेगा जब वो कहते हैं कि बन्ना गुप्ता एक समुदाय के वोट हासिल करना चाहते हैं, और उसके साथ जब वो कहते हैं, ऐसे में जब मोदी जी कहते हैं एक रहो सेफ रहो और योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो वो क्या गलत है? तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर पोलराइजेशन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो चुनाव और दिलचस्प होगा, क्योंकि पूरे कोल्हान में अगर मुस्लिम वोटर्स कहीं सबसे ज़्यादा हैं तो वो सीट जमशेदपुर पश्चिमी की सीट ही है। यहाँ पर 28.4% मुस्लिम वोटर्स हैं और मानगो का जो वो इलाका है वहाँ पर जो है उनकी पकड़ इसलिए बन्ना गुप्ता की ज़्यादा है, और इसीलिए सरयू राय अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए भी कई बार देखते हैं कि मानगो में अगर बन्ना गुप्ता भारी पड़ते हैं तो कदमा और सोनारी में जो है अपनी बढ़त को बड़ी बनानी है ताकि वो मुकाबला निकाल सकें। तो ये बात तो है कि मुकाबला दिलचस्प होगा, ये भी ऐसा दिखने लगा है कि पोलराइज होगा। योगी आदित्यनाथ की सभा हुई, उसका एक असर जो है इस क्षेत्र में पड़ा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के बागी जो हैं विकास सिंह, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितने वोट सरयू राय के काटते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी तरह से AIMIM ने भी यहाँ से प्रत्याशी जो है राशिद हुसैन को जो है वो बनाया है, तो वो कितना वोट मानगो से काटते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो दोनों को जो है टेंशन देने के लिए एक प्रत्याशी जो है दोनों तरफ से है बाहर में, बीजेपी के बागी और AIMIM के प्रत्याशी, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव तारीख आते आते तक मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का हो जाएगा और फिर जो पोलराइजेशन होगा वो उसी तरह से होगा। तो एक क्लोज फाइट होगी, क्योंकि बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में जब भी मुकाबला होता है वो फाइट क्लोज ही होती है, 2-1 से दोनों के बीच स्कोर लाइन है। सरयू राय के पक्ष में 2 बार सरयू राय जीते हैं, 1 बार जो है बन्ना गुप्ता सरयू राय के खिलाफ जीत हासिल करने में सफल रहे हैं, हालांकि एक और जीत भी बन्ना गुप्ता के नाम है पिछली बार, तो कुल 2 जीत उनके नाम भी है। लेकिन जब दोनों के बीच मुकाबला होता है तो मार्जिन आप बहुत ज्यादा नहीं देखते। 2005 में 12,695 वोटों का अंतर था, तो 2009 में जब बन्ना गुप्ता जीते थे तो 3,297 वोट से वो जीते थे, और फिर 2014 में सरयू राय जब जीते थे तो 10,500 से जीते थे। तो अब ये सीट जो है एक हॉट सीट है, इसमें से बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। फिलहाल ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी है, लेकिन चालें दोनों तरफ से चली जा रही हैं और जीत के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो कोल्हान की इन 2 सीटों पर तो बहुत दिलचस्प मुकाबला नज़र आ रहा है और इस पर नज़रें भी सबकी टिकी रहेंगी, लेकिन एक और सीट है जिस पर नज़र पूरे देश भर की टिकी है, वो है सरायकेला की सीट। सरायकेला में चंपई सोरेन इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने JMM के गणेश महली हैं। अब पूर्व CM हैं चंपई सोरेन, बागी बनकर बीजेपी गए हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। क्या गणेश महली उन्हें टक्कर दे पाएंगे या सरायकेला, जिन्हें कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन को कहा जाता है, वो आसानी से इस बार भी सरायकेला की सीट निकाल लेंगे? क्या कहते हैं समीकरण चुनाव प्रचार के बाद, क्या स्थिति नजर आ रही है वहां? देखिए, अगर सरायकेला सीट की आप बात करें तो पहले ये लग रहा था कि चंपई सोरेन ये सीट आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता जा रहा है ये अब लगने लगा है कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, 50-50 वाली स्थिति है, क्योंकि JMM ने भी इसे प्रतिष्ठा की सीट बना लिया है और चंपई सोरेन के लिए तो ये प्रतिष्ठा की सीट है ही। दिलचस्प यह है कि पिछली बार भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, चंपई सोरेन और गणेश महली के बीच। इनफैक्ट पिछले 2 चुनाव से हो रहा था, ये तीसरा अवसर है जब चंपई सोरेन और गणेश महली आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार फर्क ये है कि दोनों ने अपनी अपनी पार्टियां
बदल ली हैं। गणेश महली जो कि पिछला दो चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, अब वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और चंपाई सोरेन जो चुनाव लगातार जेएमएम के टिकट पर लड़ते रहे वो अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका कितना फर्क पड़ता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव में जब चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी बीजेपी यहां से 20,285 वोटों से लीड करने में सफल रही थी, जो ये बताता है कि इस क्षेत्र में बीजेपी की एक पकड़ तो है, लेकिन विधानसभा अक्सर जो है वो चंपाई सोरेन जीत जाते थे। तो ये चंपाई सोरेन की व्यक्तिगत छवि का असर था या लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग मुद्दे होते हैं, ये उसका असर था, ये चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा। लेकिन मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। अब अगर चंपाई सोरेन और गणेश महली दोनों अपनी पुरानी पार्टी से कितने वोट निकाल पाते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो चूंकि मान लीजिए बीजेपी का यहाँ 40-42% का बेस वोट है, अगर चंपाई सोरेन जेएमएम से 6-7% वोट लेकर आ जाते हैं तो फिर उनके लिए काम मुश्किल नहीं होगा। तब वैसी परिस्थिति में जो जीत का मार्जिन भले कम हो लेकिन वो सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर गणेश महली जो है वो बीजेपी से ज़्यादा वोट निकाल लें और उसे वो जेएमएम की तरफ लेकर चले जाएं, या कम से कम वो इतना कर लें कि जेएमएम को पिछली बार जितने वोट मिले थे उतने बचा लें, तब भी उनकी जीत जो है हो सकती है। तो एक नेक टू नेक फाइट है जिसमें जेएलकेएम का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रेम मार्डी चुनाव लड़ रहे हैं जेएलकेएम के टिकट पर, और वो बिल्कुल कैंची लिए तैयार बैठे हैं, और उनकी कोशिश होगी कि जो एसटी वोटर्स हैं यहाँ पर उनके वोट तो वो काटे ही, 34% में जो उनका हिस्सा है वो तो वो निकाले ही, लेकिन जो महतो वोटर्स 13-14% हैं उसमें बड़ा चंक अपने लिए हासिल करें। अगर उनको महतो वोटर्स का वोट ज़्यादा संख्या में मिलती है तो वैसी परिस्थिति में चंपाई सोरेन को नुकसान होगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा वोट नहीं काट पाते हैं तब मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन इस सीट को निकाल सकते हैं। चलिए, तो सरायकेला की जंग इसलिए भी दिलचस्प नजर आ रही है। फिलहाल अब नजरें टिकी रहेंगी सबकी कि जनता यहाँ पर क्या फैसला लेती है। बढ़ते हैं आगे, और जो अगली सीट है कोल्हान की सीट पोट का, ये भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ भी चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प इसलिए बन रहा है क्योंकि मीरा मुंडा यहाँ से चुनावी मैदान में पहली बार है। अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा और वो चुनाव मैदान में यहाँ पर बीजेपी की टिकट से उतर रही है, जबकि जेएमएम ने संजीव सरदार पर ही भरोसा जताया है। तो ऐसे में अब कितना ये जंग दिलचस्प है, पोटका में क्या यहाँ कमल खिलेगा या मीरा मुंडा कोई कमाल कर पाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पकड़ है अर्जुन मुंडा की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ में चंपाई सोरेन का भी साथ मिला हुआ है। तो अब पोटका की जंग रंजन जी कितनी दिलचस्प है, क्या संजीव सरदार के लिए इस बार राहें इतनी आसान दिख रही हैं? देखिए, जितनी आसान पिछली बार थी उतनी आसान तो नहीं दिख रही, लेकिन मुकाबला जोरदार होगा इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। आज कल्पना सोरेन भी जो है वो प्रचार के लिए गई रविवार को पोटका में संजीव सरदार के लिए, उन्होंने प्रचार किया। मीरा मुंडा के लिए लगातार बड़े बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा ने पूरी कमान संभाल रखी है। तो देखिए, जो मीरा मुंडा हैं, चूंकि जो पोटका विधानसभा है पिछले 5 चुनाव की बात कीजिए तो 3 बार बीजेपी जीतने में सफल रहा है, मतलब एक वोट बेस तो बीजेपी का यहाँ पर है। मेनका सरदार की नाराजगी दूर हो चुकी है, वो मीरा मुंडा के लिए वोट मांग रही हैं, ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। संजीव सरदार को अपने काम पर विश्वास है कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्षेत्र के लिए काम किया है। तो यहाँ पर मुकाबला आमने सामने का ही दिख रहा है। मीरा मुंडा हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है, अर्जुन मुंडा की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, और यहाँ पर अर्जुन मुंडा का नाम और काम उनके काम आ रहा है। प्लस मीरा मुंडा खुद सामाजिक जीवन में काफ़ी सक्रिय रहती हैं, अच्छा बोलती हैं, तो इसका लाभ जो है उनको मिलते हुए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। लेकिन जो मुकाबला होगा यहाँ पर वो कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि पिछली बार जो मार्जिन था वो 43,000 वोटों का था, तो वो पाटने की चुनौती मीरा मुंडा के सामने है। लेकिन बीजेपी का जो कुशल संगठन है, अर्जुन मुंडा का नाम और काम है, और चंपाई सोरेन का जो इस क्षेत्र में कुछ पर्टिकुलर एरिया में प्रभाव है उसका लाभ लेकर मीरा मुंडा जो है वो पहली बार विधानसभा पहुंचना चाहेंगी। लेकिन संजीव सरदार के इरादे भी यही है कि वो दूसरी पारी खेलें, तो देखते हैं कौन अपने इरादे में सफल होता है।
तो चलिए कोल्हान की कई और सीटें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन राजधानी रांची में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, यहाँ रोड शो उनका हो रहा है, तो सीधे आपको